माता पिता अपने दुलारे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जहाँ स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहीं स्कूलों के शिक्षक बच्चों को कॉपी किताबों की जगह झाड़ू थमाने से भी बाज नहीं आते। सूबे की योगी सरकार जहाँ बच्चों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित करके उन्हें निजी कॉन्वेंट स्कूलों की बराबरी पर लाकर खड़ा करने के प्रयास कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसे स्कूलों के हाल बेहाल है और स्कूलों में साफ सफाई से लेकर बड़े बड़े सभी काम बच्चों से कराकर शासन की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। बड़ोकर खुर्द ब्लॉक के चिल्ली गांव स्थित प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मासूम बच्चों के हाथों में झाड़ू थमाकर परिसर की सफाई कराए जाने का वायरल वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में स्कूल की मासूम बच्चियां स्कूल ड्रेस में झाड़ू लेकर कमरों और परिसर की सफाई करती दिख रही हैं और क्लासों में बैठने के लिए बिछाए को भी बाहर लाकर साफ कर रही हैं। उधर ध्यान देने की बात ये भी है कि स्कूल में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए सफाई कर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई रसोईया आदि कई सृजित हैं, लेकिन ये सभी सरकारी मेहमान बनकर मौज करती हैं और अपने काम की जिम्मेदारी मासूमों के कंधों पर डाल देते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ खुलेआम किया जा रहा है और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इंचार्ज प्रधान अध्यापिका सुनीता कुशवाहा समेत ग्राम प्रधान अशोक कुमार सभी मामले को लेकर बचाव की मुद्रा में उतर आए हैं। किसी को भी मामले को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं। हालांकि जिलाधिकारी अनुराग पटेल स्कूल के वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर बीएसए से जांच कराने और कार्रवाई करने का दावा जरूर कर रहे हैं। बांदा से ओम प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सहायक अध्यापक हूँ, लेकिन क्योंकि प्रधानाध्यापक नहीं है तो मैं इंचार्ज। प्रधानाध्यापक क्या छुट्टी में है? जी नहीं, यहाँ पर प्रधानाध्यापक है ही नहीं। पदरिक्त है जी, पदरिक्त। मैम ये बताइए, आपके विद्यालय में अभी हमने देखा हुआ है कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, क्या कारण है? अब इसके लिए तो कभी नहीं लगाते हैं। हमने जो है एक दिन पहले ही हमने रसोइयों को बोल दिया कि छुट्टी के 15 मिनट पहले जब बच्चे बाहर आ जाते हैं, हम लोग बाहर बैठा करके बच्चों को करते हैं गिनती पहाड़े वगैरह या जनरल नॉलेज की चीज़ें बताते हैं। उस दौरान जो 15-20 मिनट का समय होता है तो रसोइये शाम को झाड़ू लगा लें, लेकिन अब सुबह से बच्चे क्यों लगा रहे थे? देखिए, विद्यालय तो जब समय मिलता तभी जाते हैं हम लोग, और आई बात अगर झाड़ू लगाने की तो बच्चे हैं, हो सकता है कि झाड़ू उठा लिए, बल्कि ऐसा नहीं है रोज झाड़ू लगाते हो, क्योंकि लोकेशन लेते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं बीच बीच। सफाई का पंचायत मित्र भी है, सफाई कर्मी भी है, पर सफाई कर्मी की आज ड्यूटी वहाँ लग गई है, महोखर में लगा दी गई है, और जो वहाँ चपरासी है तो उसके ड्यूटी वहाँ लगी है। विवाद हुई मेरी मैडम से आपके बड़ोखर बीआरसी पे। विद्यालय प्रशासन प्रधान जी, क्या बच्चों से झाड़ू लगवाने के लिए किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं है? नहीं, जिम्मेदार है, गलत है, नहीं लगाना चाहिए, बस शर्त अब बच्चे हैं। सर, जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ोखर कुर्द के एक प्राथमिक विद्यालय का, जहां एक बच्ची झाड़ू लगाती हुई स्कूल में दिख रही है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है कि वीडियो चल रहा है इस तरह बच्चों झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं इसको बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच करा लूँगा और जो मुनासिब कार्रवाई होगी करेंगे।